उतारा जाना खुदा गालिब दाना की तरफ से है जो गुनाह बख्शने वाला और तोबा कबूल करने वाला और सख्त अजाब देने वाला और साहिब करम है उसके सिवा कोई मबूद नहीं उसी की तरफ फिर कर जाना है खुदा की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं तो उन लोगों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखे में न डाल दे पहले नूह की कौम और उनके बाद और उम्मतों ने भी पैगंबरों की तकजीब की और हर उम्मत ने अपने पैगंबर के बारे में यही कस्ब किया कि उसको पकड़ लें और बेहुदा शुबहत से झगड़ते रहे कि उससे हक को जायल कर दें तो मैंने उनको पकड़ दिया सो देख लो मेरा अजाब कैसा हुआ इसी तरह काफिरों के बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो चुकी है कि वो अहले दोजक हैं लोग अर्श को उठाए हुए और जो उसके गिरदा गिर्द हल्का बांधे हुए हैं, वो अपने की तारीफ के साथ करते रहते हैं। और उसके साथमत और, और तेरा इल हर चीज को अहाता किए हुए है तो जिन लोगों ने तोबा की और तेरे रस्ते पर चले उनको बख्श दे और दोजक के अजाब से बचा ले हमारे परवरदिगार उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है और जो उनके बाप दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी बेशक तू गिबिकमत वाला है उनको अजाबों से बचाए रख और जिसको तू उस रोज अजाबों से बचा लेगा तो बेशक उस पर मेहरबानी फरमाई और यही बड़ी कामयाबी है जिन लोगों ने कुफर किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे तो खुदा उससे कहीं ज्यादा बेजार होता था जिस कदर तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो वो कहेंगे कि परवरदिगार तू ने हमको दो दफा बेजान किया और दो दफा जान बख्शी हमको अपने गुनाहों का इकरार है तो क्या निकलने की कोई सबील है इसलिए कि जब तनहा खुदा को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे और अगर उसके साथ शरीक मुकर्र किया जाता था तो तस्लीम कर लेते थे तो हुक्म तो खुदा ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिस्क उतारता है और नसीहत तो वही पकड़ता है जो उसकी तरफ रुझू करता है खुदा की इबादत को खालिश कर कर उसी को पुकारो अगरचे काफिर बुरा ही माने मालिक दर्जात आली और साहिब अर्श है अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म से वही भेजता है ताकि मुलाकात के दिन से डराए जिस रोज वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज खुदा से मख्फी न रहेगी आज किसकी बात चाहत है खुदा की जो अकेला और गालिब है आज के दिन हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा आज किसी के हक में बे इंसाफी नहीं होगी बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है उनको करीब आने वाले दिन से डराओ जबकि दिल गम से भरकर गलों तक आ रहे होंगे और जालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा और न कोई सिफारिशी जिसकी बात कबूल की जाए आंखों की खयानत को जानता है और जो बातें सीनों में पोशीदा हैं उनको भी खुदा सच्चाई के साथ हुक्म फरमाता है और जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी हुक्म नहीं दे सकते बेशक खुदा सुनने वाला और देखने वाला है क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ वो उनसे जोर और जमीन में निशानात बनाने के लिहाज से कहीं बढ़कर थे तो खुदा ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया और उनको खुदा के अजाब से कोई भी बचाने वाला न था यह इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली दलीलें लाते थे तो ये कुफ्र करते थे सो खुदा ने उनको पकड़ लिया बेशक वो साहिब और सख्त अजाब देने वाला है हमने मूसा को अपनी निशानियां और दलील रोशन देकर भेजा यानी फिरा और हमान और कानून की तरफ तो उन्होंने कहा कि यह तो जादूगर है झूठा जब वो उनके पास हमारी तरफ से हक लेकर पहुंचे तो कहने लगे कि जो लोग इसके साथ खुदा पर ईमान लाए हैं उनके बेटों को कत्ल कर दो और बेटियों को रहने दो और काफिरों की तदबीरें बेठिकाने होती हैं और फिराउन बोला कि मुझे छोड़ो कि मूसा को कत्ल कर दूं और वो अपने परवरदिगार को बुला ले मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हारे दिन को न बदल दे या मुल्क में फसाद ना पैदा कर दे मूसा ने कहा कि मैं हर मुतकबर से जो हिसाब के दिन यानी कयामत पर ईमान नहीं लाता अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूँ और फिरौन के लोगों में से एक मोमिन शख्स जो अपने ईमान को पोशीदा रखता था कहने लगा क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार खुदा है और वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियां भी लेकर आया है और अगर वो झूठा होगा तो उसके झूठ का जरर उसी को होगा और अगर सच्चा होगा तो कोई सा अजाब जिसका वो तुमसे वादा करता है तुम पर वाकई होकर रहेगा बेशक खुदा उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो बेलिहाज झूठा है कौम आज तुम्हारी ही बादशाहत है और तुम ही मुल्क में गालिब हो लेकिन अगर हम पर खुदा का अजाब आ गया तो उसके दूर करने के लिए हमारी मदद कौन करेगा फिर ने कहा मैं तुम्हें वही बात समझाता हूं जो मुझे सूझी है और वही राह बताता हूं जिसमें भलाई है जो तो मोमिन था वो कहने लगा कि तुम्हारी नस्बत खौफ है कि मुबादा तुम पर और उम्मतों की तरह के दिन का अजाब आ जाए यानी नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग उनके पीछे हुए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल ना हो जाए और खुदा तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता और ए कौम मुझे तुम्हारी नस्बत पुकार के दिन यानी कयामत का खौफ है जिस दिन तुम पीठ फेर कर क्यामत के मैदान से भागोगे उस दिन तुमको कोई अजाब खुदा से बचाने वाला ना होगा और जिस शख्स को खुदा गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे तो जो वो लाए थे उससे तुम हमेशा शक ही में रहे। यहां तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि खुदा इसके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा इसी तरह खुदा उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो जो लोग बगैर इसके उनके पास कोई दलील आई हो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं खुदा के नजदीक और मोमिनों के नजदीक झगड़ा सख्त नापसंद है इसी तरह खुदा हर मुतकबिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है और फिर ने कहा कि हामान मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं यानी आसमानों के रस्तों पर फिर मूसा के खुदा को देख लू और मैं तो उसे झूठा समझता हूं और इसी तरह फिराउन को उसके आमाल बद अच्छे मालूम होते थे और वो रास्ते से रोक दिया गया था और फिराउन की तदबीर तो बेकार थी और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों मेरे पीछे चलो मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा भाइयों ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की चीज है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है जो तो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत और वो साहिब ईमान भी होगा तो ऐसे लोग बहिष्त में दाखिल होंगे वहां उनको बेशुमार रिस्क मिलेगा और ए कौम, मेरा क्या हाल है कि मैं तो तुमको नजात की तरफ बुलाता हूं और तुम मुझे दोजक की आग की तरफ बुलाते हो तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि खुदा के साथ कुफ्र करूं और उस चीज को उसका शरीक मुकर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं और मैं तुमको खुदाए गिब और बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ सच तो यह है कि जिस चीज की तरफ तुम मुझे बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने यानी दुआ कबूल करने का मकदूर नहीं और हमको खुदा की तरफ लौटना है और हद से निकल जाने वाले दोजखी हैं बात मैं तुमसे कहता हूँ तुम उसे आगे चलकर याद करोगे और मैं अपना काम खुदा के सुपुर्द करता हूँ बेशक खुदा बंदों को देखने वाला है गरज खुदा ने मूसा को उन लोगों की तदबीरों की बुराईयों से महफूज रखा और फिराउन वालों को बुरे अजाब में आ घेरा यानी आतिश जहन्नम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं और जिस रोज कयामत बर्पा होगी हुक्म होगा कि फिराउन वालों को सख्त अजाब में दाखिल करो वो दोजक में झगड़ेंगे तो अदना दर्जे के लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे तो क्या तुम दोजक के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो बड़े तो आदमी कहेंगे कि तुम भी और हम भी सब दोजख में हैं, खुदा बंदों में फैसला कर चुका है और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोजक के दारोगों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक रोज तो हमसे अजाब हल्का कर दे वहंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगम्बर निशानियां लेकर नहीं आए थे वो कहेंगे क्यों नहीं तो वो कहेंगे कि तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ उस रोज बेकार होगी अपने पैगम्बरों की और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी दुनिया की जिंदगी में भी मदद करते हैं और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी कयामत को भी जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत कुछ फायदा न देगी और उनके लिए लानत और बुरा घर है हमने मूसा को हिदायत की किताब दी और बनी इसराइल को उस किताब का वारिस बनाया अकल वालों के लिए हिदायत और नसीहत है तो सब्र करो बेशक खुदा का वादा सच्चा है और अपने गुनाहों की माफी मांगो और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्वीर करते रहो जो लोग बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं उनके दिलों में और कुछ नहीं इरादा अजमत है और वो उसको पहुंचने वाले नहीं तो खुदा की पनाह मांगो बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है आसमानों और जमीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने की निस्बत बड़ा काम है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और आंख वाला बराबर नहीं और ना ईमान लाने वाले नेकूकार और ना बदकार बराबर हैं हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते होमत तो आने वाली है इसमें कुछ शक नहीं लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा जो लोग मेरी इबादत से तकबर कनियाते हैं अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे खुदा ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो बेशक खुदा लोगों पर फजल करने वाला है लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीज का पैदा करने वाला है उसके सिवा कोई माबूद नहीं फिर तुम कहां भटक रहे हो इस तरह वो लोग भटक रहे थे जो खुदा की आयतों से इनकार करते थे खुद ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और तुम्हें पाकिजा चीजें खाने को दी यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है बस खुदाए परवरदिगार आलम बहुत ही बाबरकत है वो जिंदा है जिसे मौत नहीं उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं तो उसकी इबादत को खालिश कर कर उसी को पुकारो हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम जहान का परवरदिगार है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दो कि मुझे इस बात की मुमानियत की गई है कि जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करूं और मैं उनकी क्यों कर परस्तिश करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं और मुझको हुक्म यह हुआ है कि परवरदिगार आलम ही का ताब फरमान हूं वही तो है जिसने तुमको पहले मट्टी से पैदा किया फिर नुतफा बनाकर फिर लोथड़ा बनाकर फिर तुमको निकालता है कि तुम बच्चे होते हो फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचते हो फिर बूढ़े हो जाते हो और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है और तुम मौत के वक्त मुकर्र तक पहुंच जाते हो और ताकि तुम समझो वो तो है जो जिदाता और मारता है फिर जब वो कोई काम करना और किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा तो वो हो जाता है तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं ये कहा भटक रहे हैं इन लोगों ने किताब खुदा को और जो कुछ हमने अपने पैगंबरों को देकर भेजा उसको जुटलाया वो अनकरीब मालूम कर लेंगे जब उनके गर्दनों में तोक और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे ये खोलते हुए पानी में फिर आग में झोंक दिए जाएंगे फिर कहा जाएगा कि वो कहां है जिनको तुम खुदा के शरीक बनाते थे यही गैर खुदा कहेंगे वो तो हमसे जाते रहे बल्कि हम तो पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे इसी तरह खुदा काफिरों को गुमराह करता है इसका बदला है कि तुम जमीन में हक के बगैर यानी उसके खिलाफ खुश हुआ करते थे और उसकी सजा है कि इतराया करते थे अब जन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ हमेशा उसी में रहोगे मुतकबरों का क्या बुरा ठिकाना है वो तो ए पैगम्बर वसल्लम सब्र करो खुदा का वादा सच्चा है अगर हम तुमको कुछ उसमें से दिखा दें जिसका हम तुमसे वादा करते हैं यानी काफिरों पर अजाब नाजिल करें या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें तो उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है और हमने तुमसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात तुमसे बयान कर दिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बयान नहीं किए और किसी पैगंबर का मकदूर न था कि खुदा के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए फिर जब खुदा का हुक्म आ पहुंचा तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया और अहले तो पाए बनाए ताकि उनमें से बाज पर सवार हो और बाज को तुम खाते हो तुम्हारे लिए उनमें और भी फायदे हैं और इसलिए भी कि कहीं जाने की तुम्हारे दिलों में जो हाजत हो उन पर चढ़कर वहां पहुंच जाओ और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है तो तुम खुदा की किन किन निशानियों को ना मानोगे कि उन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ हालांकि वो उनसे कहीं ज्यादा और ताकतवर और जमीन में निशानात बनाने के एतबार से बहुत बढ़कर थे तो जो कुछ वो करते थे वो उनके कुछ काम ना आया जब उनके पैगंबर उनके पास खुली निशानियां लेकर आए तो जो इल्म अपने ख्याल में उनके पास था उस पर इतराने लगे और जिस चीज से तमस्कर किया करते थे उसने उनको आघेरा फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम खुदाए वाहिद पर ईमान लाए और जिस चीज को उसके साथ शरीक बनाते थे उससे नामकद हुए लेकिन जब वो हमारा अजाब देख चुके उस वक्त उनके ईमान ने उनको कुछ भी फायदा ना दिया ये खुदा की आदत है जो उसके बंदों के बारे में चली आती है और वहां काफिर घाटे में पड़कर रह गए